केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 24 जून को मनाली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की 6155 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 222 किलोमीटर की 9 सड़क कॉरिडोर का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिमाचल में 2000 करोड़ के मार्गों का काम पूरा हो गया है, 7000 करोड़ का काम जारी है और 5000 करोड़ रुपए के अवार्ड हो चुके हैं। इसमें कई नेशनल हाईवे सहित कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने मनाली में 4-लेन पुल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि टनल निर्माण के लिए अलग से विभाग का गठन किया जाएगा जो सिर्फ टनल निर्माण कार्य को देखेगा और अति आधुनिक तकनीक का अध्ययन कर निर्माण में सहयोग देगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NH5 के 4-लेन परवाड़ू से सोलन खंड को जनता के लिए समर्पित किया, जिसकी लंबाई 39 किलोमीटर है। 1303 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रूट पर 936 मीटर की एक टनल, 4 छोटे पुल, 1 ओवरब्रिज और 1 पार्क बनाए गए हैं। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने 7 नए सड़क कॉरिडोर और 1 राजमार्ग के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया, जिसमें NH88 पर 18 किलोमीटर की लंबी 4-लेन की भंगवार से कांगड़ा बाईपास का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 1323 करोड़ रुपए है। इस रूट पर 1 ट्विन टनल, 4 बड़े पुल, 2 छोटे पुल बनेंगे। इस सड़क मार्ग से राजधानी शिमला और ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला और आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा। NH21 पर कीरतपुर से नेर चौक के बीच 4-लेन की 48 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 2098 करोड़ रुपए है। इस रूट पर 5 टनल, 22 बड़े पुल, 15 छोटे पुल बनेंगे। इस सड़क मार्ग के बन जाने के बाद चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय 2 घंटा कम हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के तहत NH707 पर पोंटा साहिब से फेडिस तक 5 फेज में बनने वाली 104 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें 1 लेन की सड़क को 2 लेन और 2 लेन की सड़क को 4 लेन तक चौड़ा और अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी लागत 1337 करोड़ रुपए है। NH707 पर पोंटा साहिब से फेडिस तक 5 फेज इस प्रकार है। फेज 1 में पोंटा साहिब से हिवाना तक के 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 273 करोड़ रुपए है। फेज 2 में हिवाना से अश्यारी तक के 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 243 करोड़ रुपए है। फेज 3 में अश्री से श्री क्यारी तक के 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 346 करोड़ रुपए है। फेज 4 में श्री क्यारी से गुम्मा तक के 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 349 करोड़ रुपए है। फेज 5 में गुम्मा से फेडिस तक के 9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 126 करोड़ रुपए है। इस रूट के पहाड़ों पर हाइड्रो सीडिंग की जाएगी ताकि लैंडस्लाइड न हो, साथ ही पहाड़ों को ढहने से बचाने के लिए जापानी तकनीक शॉर्ट ग्रिड और ग्रिड का प्रयोग किया जाएगा। NH707 पर ही पोंटा राजबंद शिलाई मिनस हाटकोटी मार्ग पर 94 करोड़ की लागत से 6 पुलों का निर्माण और 13 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी। खास तौर पर सेबों की खेती करने वाले किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा और भारतीय सीमा तक पहुँचने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।